वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। कोडरमा पहुंचे सीएम का भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने मंच से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ ही कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम मंच से लोगों से रूबरू हुए और जिले में चलने वाली तमाम योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और पूर्व सरकारों पर निशाना भी साधा। बता दें कि खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण फरवरी और चौथा चरण मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी को कोडरमा पहुंचा, 18 जनवरी को गिरडी, 23 जनवरी को सिमडेगा, 31 जनवरी को जमशेदपुर, 24 जनवरी को चाईबासा और 30 जनवरी को फिलहाल खतियानी जोहार यात्रा पहुंचेगी सरायकेला। तो ये अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा पहुंचेगी और इस दौरान लोगों की परेशानी का हल किया जाएगा। झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्य राज है जहां आज तक कौन झारखंडी है ना इसकी पहचान कभी करने की कोशिश की गई और ना इसको कोई पहचान दिलाने का कोई प्रयास भी किया। झारखंड सोची समझी षड्यंत्र के तहत इस राज्य को इन लोगों ने पिछड़ापन के गर्त में ढकेला है। बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने आपके हक अधिकार को मारा है। यहां के बड़े बड़े कल कारखानों को बंद करने का, उसको दिवालिया करने का काम किया और इनको बहुत बड़ा अनुभव है देश चलाने का, गुजरात महाराष्ट्र जैसे राज्य को चलाने का जो सबसे अग्रणी राज्य अपने आप देश में है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है भाई, गुजरात को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा सके, लेकिन झारखंड में कैसा आप लोग काम कर गए 20 साल में कि देश के सबसे पिछले निचले में पैदान में चला गया। रेट में जो नौकरियां हो वो 100% यहाँ के खतियानधारी को ही मिले, दूसरा को ना मिले। गरीब कमजोर आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का दुश्मन बड़े बड़े पूंजीपति सदियों से रहे। आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से अगर वो मजबूत हो गया तो पैसे वाला लोग का घर पे बर्तन कौन मांजेगा।